बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद नदीम। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के ऊपर है, जिसके पार्ट वन में हमने बॉन्ड वैल्यूएशन की और बॉन्ड वैल्यूएशन की हमने टाइप्स पढ़े और उस टाइप्स में हमने उनकी न्यूमेरिकली जो उनकी क्वेश्चन जो थे उन हमने उन्होंने सॉल्व किया। आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप पार्ट वन का वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो हम पार्ट टू में हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट एंड व्हाई स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन क्या है और इसको हम क्यों वैल्यूएट करते हैं। इसके बाद हम टाइप ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, जिसमें हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स और प्रेफर्ड स्टॉक मॉडल ये सब हमने पढ़ने हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन के बाद हम कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे और इसको हम मैथमेटिकली जो इसकी जो डेरिवेशन जो है हम उसको भी हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट एंड व्हाई स्टॉक वैल्यूएशन, कि स्टॉक वैल्यूएशन क्या चीज़ है और ये हम क्यों करते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन वो मेथड होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब मालूम करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, वो वैल्यू जो कि एक एसेट की जो अपनी इंटरनल वैल्यू जो है उसको हम इसको इंट्रेंसिक वैल्यू कहा जाता है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक जो है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का जो करंट प्राइस है एक स्टॉक की, वो इसकी एक्चुअल प्राइस है या नहीं, इसको मालूम करना। तो इंट्रेंसिक वैल्यू को मालूम करने के लिए कि ये स्टॉक जो है इसकी प्राइस जो है ये ज़्यादा है या कम है एज अ कम्पेयर टू द करंट मार्केट, इसके लिए हम वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें हम एक एसेट जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है हमें पता मालूम हो जाता है। तो स्टॉक को कैसे वैल्यूएट करें, तो वैल्यूएशन जो है स्टॉक की ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसकी कोई ऐसी मॉडल्स आज तक तैयार नहीं हुई जिसकी वजह से हम इसको वैल्यूएट करें और हम बताएं कि यार ये बहुत परफेक्ट है। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को जो ये कम्बिनेशन है आर्ट एंड साइंस की, और इसकी जो वैल्यूएशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो इसके लिए आपने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है तो आपने इसको फिल्टर करना होगा, क्योंकि इसकी एक टैक्स एक मॉडल नहीं है जिससे आप एक सेट को वैल्यूएट करो और वो स्टॉक जो है उसकी कीमत जो है वो वही हो, तो इसके लिए एजम्पशन करना पड़ता है। तो टाइप ऑफ स्टॉक जो है ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं और एक को कॉमन स्टॉक। तो सबसे पहले हम प्रेफर्ड स्टॉक को समझना होगा और इसकी हम जो मैथमेटिकली उसकी प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम कॉमन स्टॉक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर। तो प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन जो है इससे पहले हमें यह समझना होगा कि शेयर एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑनरशिप जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको प्रोवाइड करता है। तो इसकी दो किस्में, एक कॉमन स्टॉक है एक प्रेफर्ड स्टॉक है। कॉमन स्टॉक जो है ये एक ऑनरशिप आपको दिया जाता है, मगर प्रेफर्ड स्टॉक में इसमें आपको फिक्स डिविडेंड पे किया जाता है। ये एक हाइब्रिड चीज़ है जो कि बॉन्ड की तरह है और इसकी मैच्योरिटी लाइफ जो है वो भी नहीं होती। तो ये इसी तरह होता है जैसे प्रेफर्ड स्टॉक जो है ये हमने जब पार्ट वन में हमने ये पढ़ा था कि परपेचुइटी बॉन्ड जो थी वो इसकी इससे मिलता जुलता है। तो इसमें ये होता है कि इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मतलब एक अगर आप कंपनी बैंक ड्रॉप्ट होती है तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर को और इसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को इसकी पेमेंट जो है वो अदा की जाएगी। और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का एक सबसे दूसरी जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक वो ये है कि इसको डिविडेंड ज़रूर पे किया जाएगा। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन के लिए जो है हमने यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ पे हमने फिक्स डिविडेंड पेमेंट है और ये जो परपेचुअल बॉन्ड की तरह इससे जैसा है, तो हमने परपेचुअल बॉन्ड की तरह इसको हमने वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है हमने पहले ही बताया था कि एसेट वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बहुत ज़रूरत होती है, इसको हमने दिमाग में ज़रूर रखना होगा, एक टाइम की और एक वैल्यू की। टाइम की एक मैच्योरिटी लाइफ एक प्रेफर्ड स्टॉक की जो है वो हमें मालूम नहीं है, वैल्यू जो है वो डिविडेंड है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक को जैसे हमने बात की कि ये फिक्स डिविडेंड दिया जाता है और ये कॉमन स्टॉक होल्डर पे इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर इसको ये कि प्रेफ मींस कि इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन के लिए हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे वी इज इक्वल टू डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक, पी हमने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के लिए पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी 1, ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा, ये सेकंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ हमने प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन में अगर आपको याद होगा कि हमने एक बात की कि इसकी लाइफ जो है वो एन पेनेट टाइम के लिए होती है, तो हमने यहाँ से टाइम फैक्टर जो है उसको ख़त्म करना है। दूसरी जो हमने बात की कि डिविडेंड जो है ये आपको ज़रूर पेमेंट किया जाएगा, तो इसको फार्मूले को हमने यहाँ 1 प्लस ये भी हटा देना, क्योंकि ये हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि अगर इसकी टाइम और मैच्योरिटी मालूम हो
तो मेच्योरिटी इसकी मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने परपेचुअल बॉन्ड में जैसे हमने वहाँ पे आई इज़ इक्वल टू के डी लिखा था, तो यहाँ पे हम डिविडेंड डी आई वी मतलब डिविडेंड, पी का मतलब है परपेचुइटी, प्रेफर्ड स्टॉक एंड डिवाइडेड बाई के पी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो प्रेफर्ड स्टॉक के एग्जाम्पल को देखा जाए तो कॉरपोरेशन है जो कि 9% पर सो फार वैल्यू है प्रेफर्ड स्टॉक इश्यू करता है, और इसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपकी है वो 14% है। तो अब फार्मूले को हम याद करें, बी इज इक्वल टू 1/KD। ये हमने वहाँ पे परपेचुअल बॉन्ड में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। प्रेफर्ड स्टॉक जो है हमने आई को डी में कन्वर्ट करना है डिविडेंड, और के डी जो है हमने के पी करना है, के पी मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, पी को हम इसको यूज़ करेंगे। तो 14% हमारा रिक्वायर्ड रेट है, 14% को अगर देखा जाए तो 14% जो है ये हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये 0.14 आएगा। तो अब मार्केट क्या रेट हमें दे रहा है, 9%, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा 9%, और यहाँ पे 14% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 9/0.14 इसकी जो वैल्यू आती है वो 64.28 है, और इसकी कीमत क्या है, किस कौन सी कितनी रेट पे वो इशू करता है, वो 100 पे करता है। तो डिसीजन इसमें ये है कि अगर 64.28 पे वो इशू करेगा तो हम लेंगे, या इससे कम पे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर हम इसको जो है हमने इसको नहीं लेना, क्योंकि ये एक वर्थी जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं होगी। कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो कॉमन स्टॉक जो वो ऑनरशिप होती है जो कि आपको पोजीशन एक कॉरपोरेशन में आपको एक ऑनरशिप जो है प्रोवाइड कर देगा। तो डिविडेंड जो है ये अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपको ज़रूर दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। तो कॉमन स्टॉक की डिफिनेशन को देखा जाए तो ये एक वन पेज सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको एक क्लेम करते हो आप एक ऑनरशिप की एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में, इसको हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। शेयर जो है ये कंपनीज जो है वो इशू करती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वो इसको इशू नहीं कर सकती, और इसकी सिक्योरिटी जो है ये अल्टीमेट ऑनरशिप, और इसके साथ रिस्क भी इसके साथ एसोसिएट होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड जो है ये शरिया में जो है इसको ये बैन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और शेयर जो है ये अलाउड हैं, मगर इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपने उसकी नहीं देखी तो आपने शरिया कंप्लेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वीडियो भी देखनी होगी, जो कि एक्सेल विद मोहम्मद वाजिद रज़ा की यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन को देखने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ऑफकोर्स हमने दो चीज़ों के लिए यहाँ पर हमने दो रिटर्न हमारे आते हैं, एक डिविडेंड और एक कैपिटल गेन। डिविडेंड ये वो है जो कि एक अर्निंग उस चीज़ पर किया जाता है, और कैपिटल गेन वो होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 पे एक चीज़ ले ली और वो एक स्टॉक लिया और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 साल बाद जो है उसकी वैल्यू जो है वो 150 होगी। तो हमने यहाँ पे वापस वो फार्मूला याद करना होगा, टाइम एंड वैल्यू। तो यहाँ पे हमने टाइम क्या करना है कि हमने एक टाइम को एज्यूम करना है कि इस टाइम के बाद हम जो है इस शेयर्स को सेल करेंगे। वैल्यू जो है हमारे दो तरह के आते हैं शेयर्स में, कॉमन स्टॉक में, एक जो है कैपिटल गेन और दूसरा जो है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो इसलिए हमने इस चीज़ में जो है हमने मॉडल्स में हमने डिविडेंड और प्राइस दोनों को हमने एस्टिमेट करना है। तो कॉमन स्टॉक पे हमने जो पॉपुलर मेथड जो है वैल्यूएशन के उसको सबसे पहले जो आता है वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहा जाता है उसको। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की फार्मूले को अगर देखा जाए, जिसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, जैसे कि हमने डिविडेंड वन, डिविडेंड टू, एंड यहाँ तक हम इनफिनिट टाइम तक जा सकते हैं, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1+KE। KE जो है ये हमारे मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और DIVT जो है ये कैश डिविडेंड एट टाइम है। तो इसके लिए समेशन के लिए हमने फार्मूले को शॉर्ट किया। तो हमने इसको अगर एडजस्ट करना है तो एन जो है द नंबर एन विद शेयर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। एडजस्टमेंट क्या करनी है कि हमने फॉर एग्जांपल एक शेयर जो है हमारे साथ उन्होंने हमने एक लिया और हम एज्यूम करते हैं कि उसको हम 4 साल बाद करेंगे, तो प्राइस एन जो है ये यहाँ पे वो प्राइस है जो कि हमने फ्यूचर में एक्सपेक्ट करे कि इतनी पे ये शेयर जो है वो फ्यूचर में ये सेल होगा। डिविडेंड ग्रोथ पैटर्न एजम्पशन को अगर देखा जाए तो इसमें हमने जो एजम्पशन करनी है, क्योंकि वैल्यूएशन की कोई ऐसी कोई मॉडल जो है, हर एक मॉडल में आपने कुछ एजम्पशन करने होंगे, हर एक मॉडल की कुछ खसूसियात होती है जिसमें कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं, तो वो आप डिफेंड करते हैं अपने कौन से लिया है। तो कांस्टेंट ग्रोथ होता है, एक नो ग्रोथ होता है, और एक ग्रोथ फेजेज होता है। तो इसलिए हमने कांस्टेंट ग्रोथ सबसे पहले पढ़ना होगा, इसके बाद हमने नो ग्रोथ पढ़ना होगा, और इसके बाद ग्रोथ फेजेस पढ़ना होगा। तो अगर डिविडेंड एजम्पशंस मॉडल में हमने कांस्टेंट ग्रोथ की बात करनी है, तो इसलिए हमारा फार्मूला जो है वो है डी नॉट। डी नॉट का मतलब है वही डिविडेंड जो कि लास्ट टाइम पे किया गया, 1+G। G जो है हमारा ग्रोथ है,
फॉर एग्जांपल एक ग्रोथ हमारा है वो 2% है, तो हमने यहाँ पे 2 करना होगा। और के ई जो हमारा है ये इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लेना है, तो एग्जांपल हमने ये लेना है कि एक कॉमन स्टॉक है जो कि डिविडेंड पे करता है 10 रुपये। द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 3 ईयर इज 50। जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस जो हमारा है कि ये शेयर जो 3 साल बाद जो मार्केट में हम सेल करेंगे तो ये 50 का होगा। और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10% है, दैट एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ये करना होगा कि सबसे पहले जो है पहले ईयर पे D1 जो है यहाँ पे लिखेंगे, D2 सेकेंड ईयर। हमने एज्यूम ये करना है इस वीडियो इस एग्जांपल में कि हमने 3 साल बाद इसको भेजना है। 3 साल तक इन्होंने डिविडेंड पे किया और 3 साल के साथ साथ हमने इसको मार्केट में बेच दिया, तो इस बेचने के साथ इसने हमें जो मार्केट का जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमें दिया जाएगा। तो इसको हमने वैल्यू फुट करना है इसमें। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे सपोज दिस फॉर वैल्यू है, और सपोज इज शेयर विद फॉर वैल्यू वी एक्सपेक्टेड आफ्टर 3 ईयर द शेयर विल बी ऑन 50। तो वो एग्जांपल है, हमने यहाँ पे डेटा फुट करना है। तो सबसे पहले ईयर पे हमने 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12, क्योंकि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे हमने देखा कि वी आल्सो एक्सपेक्टेड दैट वी विल पे 20% डिविडेंड आफ्टर ईच ईयर। तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 50 है, सेलर जो है प्लानिंग जो 3 ईयर है, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा है सॉरी वो जो है वो 12% है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ हमने फार्मूले में पुट किया और सेकंड थर्ड में भी, और यहाँ लास्ट वन में जो है हमने यहाँ पे 50 पुट किया। 50 इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है कि अब ये 50 पे बिक जाएगा फ्यूचर में। तो इसको हमने फार्मूले के मैथमेटिकल इक्वेशन में करना है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला पुट किया D/1 + KE/D/ यहाँ पे हमने पुट किया। तो यहाँ हमने वैल्यू फुट करना है, तो 20 लिखेंगे, 1 + 12% 20%। और यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हम कर लें इस चीज़ की तो वो यहाँ पे 83.84 आएगा। तो इस केस में हम क्या करना है, सेलर जो है वो मार्केट में इस चीज़ को 10 रुपये पे बेच रहा है और द मार्केट अब शेयर जो है वो 50 तक जाएगा, 3 ईयर एक्सपेक्टेशन है हमारे, हमारी तवक्कु है, और ये शेयर जो है ये डिविडेंड 20% पे आएगा। तो डिसीजन ये है कि हमारा जो इसकी वर्थ जो है एक्चुअल वैल्यू जो है वो 83.84 रुपीज़ है। अगर सेलर जो है वो एग्री होगा 83 पे तो हम, और या इससे कम रेंट पे, तो हम इसको परचेज़ करेंगे और ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो शुमार होगा। अब यहाँ पे देखें एडवांस मॉडल, हमने पहले भी एज्यूम कर लिया कि कोई ऐसी फिक्स मॉडल्स नहीं है जिसको हम जिसे हम एक स्टॉक को इवैल्यूएट करने, पर बहुत से मॉडल ऐसे हैं जिसको हमने एज्यूम करके उसको हमने करना होगा, जिसमें हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। तो रिसर्चर जो है वो उस पर काम कर रहे हैं कि कोई ऐसी मॉडल जो है वो डेवलप करे जिससे वो मार्केट में जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो इसको हमने उस एक मॉडल से हमने उसको एलिवेट करें। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मॉडल्स नहीं है, मुख्तलिफ मॉडल्स है जिसके बदले मुख्तलिफ, इसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज के जो मार्केट है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि एक बंदा आ रहा है वो एक पेप्सी कंपनी का शेयर बेच रहा है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है फ्यूचर में इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के मुताबिक, और दूसरा बंदा आ रहा है वही शेयर ले रहा है कि ये प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसकी डिफरेंट जो इंट्रेंसिक वैल्यू है हर एक बंदे की जुदा होती है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में बायर एंड सेलर दोनों जो है वो आते जाते हैं और वहाँ से कर देते हैं। तो हमने जीरो ग्रोथ मॉडल में हमने ये करना कि ग्रोथ मॉडल जो है वो ज़ीरो है, पर एवर पे जी ग्रोथ रेट जो है वो ज़ीरो है, मतलब एक कांस्टेंट रेट पे जो है हमने उस चीज़ को पे करना है। तो ज़ीरो ग्रोथ मॉडल की एग्जांपल को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि स्टॉक एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ रिटर्न ज़ीरो है, ईच स्टॉक जो है डिविडेंड 3.24 हमें एक शेयर पे दिया जा रहा है, और डिस्काउंट रेट मींस कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। तो स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे 3.24 होगा डी नॉट हमारे इसलिए 3.24 होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम जो इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड जो है पर शेयर वो 3.24 ये पे करेगा। तो 1 + 0 0 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा ग्रोथ जो है वो ज़ीरो है। तो D1 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे के ई माइनस ज़ीरो से, तो 3.24.15 - 0, तो इसकी वैल्यू जो है वो 21.0 होगी। तो इस पे स्टॉक को हम अगर 21 पे वो बेच रहा है तो हम, या इससे कम पे तो हम इसको लेंगे, अगर नहीं बेच रहा है उस पे तो हम इसको नहीं लेंगे। ग्रोथ पेजेस मॉडल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हमने इस ज़ूम करना है उस, हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस करना होगा।
और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो 3 की। तो अपने पार्ट 1 जिसमें हमने बॉन्ड वैल्यूएशन की, पार्ट 2 में हमने स्टॉक वैल्यूएशन की, और पार्ट 3 में हम स्टॉक वैल्यूएशन के ग्रोथ बेसिस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। इस तरह और भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट की जितने भी वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर आपको मिल सकती है, आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो हमें ईमेल कर सकते हैं, और ये स्लाइड किसी को चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए तो हम यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। हमें फेसबुक पे भी हम फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर प्रोटोन ऑफिशियल आप फेसबुक में सर्च करें।